डीएफओ विकास यादव ने नगर वन बनाए जाने पर कहा कि इस समय काफी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, लेकिन गोरखपुर काफी भाग्यशाली है कि गोरखपुर में कुश्मी जंगल है और आसपास में काफी वन क्षेत्र उपस्थित हैं। लेकिन इसको और ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए गोरखपुर शहर के अंदर 3 नगर वन की स्थापना की जानी है। ये हर नगर वन 50 हेक्टेयर का है और इसमें हमने 1,00,000 पौधों का रोपण किया है। अभी बारिश का समय चल रहा है, इसमें पौधे काफी स्वस्थ हैं और काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। जल्द ही इस नगर वन को आम नागरिक के लिए खोला जाएगा, जिसमें नागरिकों के लिए सुविधा भी दी जाएगी, जो कि चिड़ियाघर के बगल में खोला जा रहा है। जहां पर नागरिक रनिंग, टहलने, योगा कर सकेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीएफओ विकास यादव ने कहा, देखिए जो आज का परिवेश है, जिसमें शहरों में पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, गोरखपुर एक इस मामले में काफी भाग्यशाली है कि क्योंकि हम गोरखपुर के पास में खुशमी जंगल है और काफी अच्छे वन क्षेत्र उपस्थित हैं। उसके साथ ही और इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, वनों को बढ़ाने के लिए, हरियाली को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन टैंक या ऑक्सीजन एक सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने गोरखपुर सिटी के पास में और ये गोरखपुर सिटी के अंदर 3 कुल मिलाकर नगर वन की स्थापना की है। ये प्रत्येक नगर वन 50 हेक्टेयर का है और इसमें हम लोगों ने लगभग 1,00,000 पौधों का रोपण किया है। अभी वर्षा काल चल रहा है और इसमें पौध बड़े स्वस्थ हैं और काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। जल्दी हम लोग इस नगर वनों को आम जन के लिए खोलेंगे और उसमें आम जन के लिए जो सुविधाएं हैं वो भी डेवलप की जा रही हैं। आम जन के लिए एक अच्छा ये सौगात रहेगा, जहां वो जाकर अपना मॉर्निंग वॉक, योगा या बच्चों के खेलने की सुविधाएं, इस तरह का काम किया जा सकता है। ये चिड़ियाघर के बगल में 150 एकड़ का जमीन है, जहां पर हम लोगों ने अभी इसको एज ए सिटी फॉरेस्ट डेवलप किया जा रहा है।